नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में राज्यपाल से मिली है शिवसेना, लेकिन शिवसेना को राज्यपाल ने समय नहीं दिया है। जहां दोस्तों एनसीपी कांग्रेस का समर्थन की बात तो यहां पर शिवसेना कर रही है, लेकिन यहां पर जो चिट्ठी है, जो समर्थन की चिट्ठी है, वो अब तक शिवसेना को नहीं मिली है। इसके बाद शिवसेना जो है यहां पर कह सकते राज्यपाल से मिली, लेकिन राज्यपाल ने यहां पर समय देने से इनकार कर दिया। शिवसेना की तरफ से यहां पर 2 दिन का वक्त मांगा गया था, लेकिन यहां पर राज्यपाल ने साफ तौर पर शिवसेना को जो है समय देने से इनकार कर दिया। ये अब तक की बड़ी खबर यहां पर महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है। आखिर जो यहां पर अटकलें लगाई जा रही थी कि महाराष्ट्र में क्या कांग्रेस शिवसेना को समर्थन देगी, अंतिम मोहर नहीं लगी है, क्योंकि शिवसेना को अब तक यहां पर लिखित रूप में कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा यहां पर हुई है, और इसको ही यहां पर कह सकते हैं आदित्य ठाकरे ने जो कॉन्फ्रेंस की उसमें साफ तौर पर कहा है कि उन्हें यहां पर जो है समय भले ही यहां पर राज्यपाल ने नहीं दिया, लेकिन हमारा जो यहां पर दावा है जो यहां पर उसको खारिज नहीं किया है। तो ये अब तक की बड़ी खबर यहां पर महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है। इसके अलावा बीजेपी अब यहां पर दावा कर सकती है कि महाराष्ट्र में शिवसेना जो है अपना बहुमत पेश नहीं कर पाई है, तो अब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इसके अलावा यहां पर राज्यपाल जो है एनसीपी को भी बुला सकते हैं, क्योंकि एनसीपी यहां पर शिवसेना बीजेपी के बाद एक बड़ी पार्टी है, तो एनसीपी का भी नंबर यहां पर लग सकता है। तो महाराष्ट्र में सरकार को लेकर एक बार फिर से बहुत बड़ा पैच फंस चुका है, और कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने यहां पर दाव खेला था उसमें कहीं ना कहीं अब शिवसेना फंसती नजर आ रही है। शिवसेना को एक बहुत बड़ा झटका है, शिवसेना को यहां पर कहना चाहिए कि समय नहीं मिला है, और समय इसके अलावा बहुमत की चिट्ठी अब तक शिवसेना को नहीं मिली है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट महाराष्ट्र से निकल कर आ रहा है। इससे पहले बीजेपी ने यहां पर सरकार बनाने से मना कर दिया था, शिवसेना को सरकार बनाने के लिए बुलाया, लेकिन शिवसेना अपना जो है यहां पर बहुमत पेश नहीं कर पाई है। इसके बाद एक बहुत बड़ी यहां पर खबर है कि अब क्या होगा महाराष्ट्र, क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा, एनसीपी को बुलाएंगे राज्यपाल, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। या दोस्तों एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, और आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगेगा या सरकार बनेगी, ये 2 बहुत बड़े सवाल बन चुके हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।